सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ब्लू ग्लोइंग कंसेप्ट ऑफ फोटो रीडिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस फोटो रीडिंग को सिखाने वाला हूँ। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा और साथ में चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हुए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो भाई लोग जैसा कि यहाँ से हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, अब मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद हमें टूलविज एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो कि आपको टूलविज एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए टूलविज एप्लीकेशन का कुछ इस तरह से इंटरफेस है। बाकी नेट ऑन है तो यार ये सब एड वगैरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम डाटा को बंद कर देते हैं सबसे पहले। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, फोटो को सेलेक्ट करना है। जैसा कि हम जो भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हैं उस फोटो को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो प्रो एडिटिंग पर क्लिक कर देना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फॉर्म अदर ऐप लिखाएगा सेकंड नंबर में, इसमें क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगा। फिर आप जाके वहीं से डाउन मतलब फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप भी सेलेक्ट कर लीजिए आपको जो भी फ़ोटो को एडिटिंग करना है। तो यहाँ से हम फोटो को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से देख लीजिए टूलविज का कुछ इस तरह से टूल बार वगैरह है। तो यहाँ से हम सबसे पहले बैकग्राउंड को ब्लू टोन इफेक्ट देंगे। तो उसके लिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये जो टोनिंग पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको SLR का एक और ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेकंड नंबर पे एक इफेक्ट मिलेगा, ये वाला सियान टाइप लिखा है जो भी है। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए जो फेस वगैरह में इफेक्ट है इसे रिमूव करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से हम मास्क पर क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ से हम कुछ इस तरह से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद राइट कर देते हैं। अब राइट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको SLR पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा सेटिंग का, इसमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से देख लीजिए जो बैकग्राउंड हम लोग को ब्लू कलर है, तो यहाँ से हम ब्लू कलर को सेलेक्ट करेंगे एंड इसका सेचुरेशन को कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे, रख लेना 70 के आसपास। अब इसका हुई को कम करके देखते हैं, हुई को रख लेते हैं -57 एंड सेचुरेशन को रख लेते हैं -100, ठीक है। उसके बाद इसे राइट कर देते हैं। अब राइट करने के बाद यहाँ से हम PNG वगैरह ऐड करेंगे। तो PNG ऐड करने के लिए यहाँ से आपको टूल्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ये रहा जो टूल्स को, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ब्लेंडिंग मिक्सर का एक टूल मिल जाएगा, ओके, इसमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से माई फोटो पर क्लिक करके आपको PNG वगैरह को ऐड कर लेना है, जो कि आपको PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए या तो फिर मेरे वेबसाइट आशीष एडिट्स पर जाइए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, दोनों एक है। आशीष एडिट वेबसाइट का लिंक दिया हूँ। उसके बाद इसे राइट कर लेते हैं। अब राइट करने के बाद एक और PNG को ऐड करेंगे, फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं एंड माई फोटो पर क्लिक करने के बाद इस PNG को ऐड कर लेते हैं। तो देख लीजिए सेकंड PNG ब्लैक कलर का है, तो इसे हम स्क्रीन करेंगे तब जाके हमारा PNG रेडी होगा। तो उसके लिए आपको अर्ली पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसे एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको फोटो को सेव करना है, ठीक है, ये रहा सेव का ऑप्शन, ये वाले आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर सकते हो। अब इस फोटो को हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलिए शेयर करते हैं, ये रहा इसने अच्छे। तो यार यहाँ से शेयर नहीं हो रहा है, तो हम पहले गैलरी पर आ जाते हैं और इस फिर से शेयर करते हैं, ठीक है। ये रहा फोटो एंड चलिए ये रहा स्नैपशीट, ठीक है। तो देख लीजिए अब स्नैपशीट एप्लीकेशन ओपन हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टूल्स पर आ जाते हैं एंड यहाँ से हम सबसे पहले इसका कलर को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए ट्यून इमेज को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसका सेचुरेशन को कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, फिर से टूल पर आना है एंड यहाँ से आपको सेलेक्टिव टूल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको फेस वगैरह में सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से इसका ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है एंड सेचुरेशन को कुछ इस तरह से कम कर लेना है। तो देख लीजिए फोटो काफ़ी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। अब इसे सेव करने के लिए यहाँ से आपको डन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से फोटो भी सेव हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।